बातों को जज्बातों को दिल में है पाले, जहां राह बंद हो जाए वहीं से निकाले। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में एक ऐसे स्पीकर हैं जिन्होंने डायमंड बन के दिखाया, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सफलता का आयाम लेके दिखाया, और उनका नाम कोई और नहीं, मिस्टर आनंद कुमार जी हैं। ये टीचिंग प्रोफेशन से थे और इन्होंने शुरुआत किया, बिलीव किया सिस्टम पे, अपलाइन पे, कंपनी पे, और अपने वर्क एथिक्स और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की वजह से इन्होंने डायमंड बन के दिखाया। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में ये यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी जरूर बनेंगे। तो दोस्तों, आइए बगैर देरी किए हम कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर डायमंड लीडर मिस्टर आनंद कुमार, लेकिन बहुत जल्दी होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर आनंद कुमार। एक ऊपर हाथ करके दिल से जोरदार तालियों से हम कॉल करते हैं। वेलकम मिस्टर आनंद कुमार जी, वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। थैंक यू गुरुदेव, वेलकम। स्टार्ट कर सकते हैं आनंद जी आप? जी गुरुदेव, स्क्रीन शेयर करूं? हाँ हाँ बिल्कुल, स्क्रीन शेयर कीजिए। और बहुत स्मार्ट लग रहे हो यार, सेफ सॉप की टाई लगा के एकदम। सब आपकी रहमत है गुरुदेव। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका। पहले से मतलब स्लाइड वगैरह ना पहले से खोल के रखा करो ताकि स्क्रीन शेयर करते ही ठक से आ जाए। हाँ, उसमें हजारों लोग आपका वेट कर रहे होते हैं ना, तो एक एक पल के लिए लोग सांस रोक के रोक सुन रहे होते हैं आपको। चलो, आपकी पहली स्लाइड आ गई है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल। सबसे पहले सारे लोगों का गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और स्वागत है आपका इस जूम पैनल पे। और जितने भी लोग आज मुझे यूट्यूब के माध्यम से और जूम मीटिंग के माध्यम से सारे लोग जो आज इस पैनल पे आए हैं, उनका दिल से मैं स्वागत करता हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, सारे लोग का नमस्कार। और मैं सबसे पहले स्पेशली थैंक्स आवर ग्रेट डायरेक्टर्स को करना चाहूंगा, जिनकी एक अच्छी सोच की वजह से आज 22 साल पहले कैसे इंडस्ट्री का निर्माण हुआ, जिस इंडस्ट्री में आज बहुत सारे लोग अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत कर चुके हैं, कर रहे हैं, बहुत सारे अपने लोग सपने को पूरा कर रहे हैं। पता नहीं आज से लगभग 22 साल पहले इन 5 डायरेक्टरों ने किस सोच, किन सपनों को लेकर के इस महान इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, मुझे नहीं पता, लेकिन आज यह इंडस्ट्री लाखों और करोड़ों लोगों के सपनों को लगातार पूरा करते जा रही है। मैं अपने 5 डायरेक्टर, भगवान तुल 5 डायरेक्टर को मैं दिल से नमन करता हूँ, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और स्पेशली थैंक मैं अपने ग्रेट लीजेंड को करना चाहूंगा, माननीय श्री संजय जैन सर को, माननीय श्री ग्रेवाल सर को। सर, आज यह इंडस्ट्री, यह डायरेक्शन इंडस्ट्री, ये 2 चेहरों की मोहताज नहीं है। सर के बारे में आज कुछ भी बोल पाना, मेरे पास शब्द नहीं है। सर, जिस तरह से आज एक सूरज पूरे विश्व भर में प्रकाश फैलाता है, उसी तरह ये 2 ऐसे महान शख्सियत हैं जिनके माध्यम से, जिनकी वजह से आज यह इंडस्ट्री, यह डायरेक्शन इंडस्ट्री पूरे हिंदुस्तान में लोगों को प्रकाशमय कर रही है। इनके बनाए गए सक्सेस इकोसिस्टम की वजह से जहां एक आम इंसान किसी भी बैकग्राउंड का हो, वो इस सक्सेस इकोसिस्टम में अपने 3 से 4 साल के लिए, 5 साल के लिए अपने आप को उस सक्सेस इकोसिस्टम में ढालता है, और आने वाले कल में वो यहाँ हर एक सपनों को लगातार पूरा करते चला जाता है। मैं अपने विजनरी ग्रेट लीजेंड को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ। मैं अपने ग्रेट मेंटर्स को भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय श्री माधव सर, माननीय श्री विजयपाल सर, माननीय श्री सत्येंद्र प्रसाद सर, माननीय श्री राकेश प्रसाद सर और माननीय श्री अजय पंडित सर को। आज इन सारे ग्रेट मेंटर्स की वजह से आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। आज मैं बताऊं तो मैं माधव सर के एलडीपी एसोसिएशन को लेकर के, दिशा वर्कशॉप ट्रेनिंग को लेकर के,
कोर ट्रेनिंग को लेकर के, मैं इन सारे ग्रेट मेंटर्स के अलग अलग बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी को लेकर के मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। मैं अपने सारे ग्रेट मेंटर्स का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस पैनल पे। हम अपने कोच का भी स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा, दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय श्री अविनाश सर, माननीय श्री संजीव कुमार सर, माननीय श्री सतीश सर, माननीय श्री अंजनी कुमार झा सर, माननीय श्री अजीत कुमार झा सर, ये पांच हमारे कोच हैं जिनका आशीर्वाद लगातार हमारे नेटवर्क में मिलता रहता है। और जहां भी मेरे नेटवर्क में जो भी चीज कमियां अगर नजर आती है तो उनको दूर करने का काम हमारे ये पांच कोच करते हैं। जिस तरह से एक क्रिकेट मैच में अलग अलग कोच होते हैं, जैसे फील्डिंग के अलग कोच होते हैं, बॉलर के बॉलिंग के अलग कोच होते हैं, बैटिंग के अलग कोच होते हैं, उसी तरह हमारे इस बिजनेस में हमारे ये पांच कोच हैं जहाँ पे लगातार इनका सर का सपोर्ट लगातार हमारे नेटवर्क में लगातार मिलता रहता है। मैं अपने सारे कोचों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं और कहा जाता है जब क्रिकेट में कोच है और बिना कैप्टन के कोई भी खिलाड़ी मैदान में नहीं उतरता है, उसी तरह हमारे पास हमारे कैप्टन के तौर पे माननीय श्री सुमित कुमार मिश्रा सर हैं, जिनके जिनके गाइडेंस की वजह से जिनके लगातार गाइडेंस की वजह से आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। सर का साथ लगातार अगर नहीं मिला होता तो शायद यह आनंद कुमार आज यहां तक पहुंच नहीं पाता। मैं दिल से हमारे कैप्टन सुमित कुमार मिश्रा सर को दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज अपनी सक्सेस जर्नी के शुरुआत करता हूँ, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। साथियों, मैं बिहार राज्य के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट खगड़िया का रहने वाला हूँ। वहाँ पे एक प्रखंड है गोगरी जमालपुर, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मेरे पापा जी फ्लावर मिल यानी आटा चक्की चलाने का काम करते थे और मैं बिलोंग्स करता हूँ लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पे मेरे पापा जी आज से लगभग 10 साल पहले 7-8 हजार रुपया किसी तरह कमा लिया करते थे। और इसी कमाने की वजह से आज मेरे 3 भाइयों की परवरिश बहुत अच्छे ढंग से की है और मेरी क्वालिफिकेशन मैट्रिक 2006 में भगवान हाई स्कूल जवानपुर गोगरी से हुआ है। मैं इंटर 2008 में आरएनआर कॉलेज समस्तीपुर से किया हूँ। ग्रेजुएशन में 2011 में आरएन को समस्तीपुर से किया हूँ। मैं 2006 में मैट्रिक करने के बाद आगे की प्रिपरेशन को करने के लिए मैं समस्तीपुर चला गया, जहाँ पे मेरी आगे की पढ़ाई हुई है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आईटीआई इलेक्ट्रिकल से किया और ब्लिस 2014 में किया। साथियों, मैं लगातार 2006 से 2014 तक मैं लगातार हर एक मेरे लायक मेरे क्वालिफिकेशन के लायक जो भी फॉर्म निकला मैं हर एक फॉर्म को लगातार भरता चला गया, क्योंकि मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां पे किसी तरह सर्वाइव कर पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी मम्मी को हर साल 2006 के बाद मैट्रिक करने के बाद हर साल अपनी मम्मी को कहता था कि माँ इस साल मैं नौकरी ले लूंगा। 2007 बीत गया, 2008 फिर आया, 2008 में फिर मम्मी से बात होती थी तो उस बात बोलते मैं इस साल नौकरी लेकर के सब कुछ अपने जिंदगी में अपने सारे हालात को ठीक कर दूंगा। उसी तरह 2008 बीता, 2009 बीता, लेकिन साथियों 2006 से लेकर 2014 तक मेरे लायक मेरे क्वालिफिकेशन के लायक जो भी फॉर्म निकलता था, चाहे वो रेलवे का हो, बैंकिंग सेक्टर का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे सीडीएस का हो, जो भी मेरे लायक जो भी फॉर्म निकलता था, छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक का, मैं हर एक फॉर्म को भरता था और लगातार प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैं अपने कॉम्पिटिशन के एग्जाम को लगातार फेस करता था। कुछ चीजों में मेरा रिजल्ट रिटेन अगर होता था तो फिजिकल नहीं हो पाता था और फिजिकल होता तो कहीं रिटेन नहीं हो पाता था, लेकिन मैं लगातार अपने परिवार की स्थिति को ठीक करने के लिए लगातार मेहनत करता था। यह हमारे घर में हमारे गार्जियन के तौर पे मेरे दादाजी दादी जी का यह पिक्चर लगा हुआ है। ये मेरे मम्मी पापा हुए और ये 3 भाई, ये मेरा छोटा सा परिवार है जहाँ पे इन लोगों का आशीर्वाद लगातार मुझे मिलता रहा। इनके दिए गए अच्छे संस्कार की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। मेरी जर्नी शुरुआत होती है 2009 में। मैं होम ट्यूशन बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत किया, 150 रुपये से मैंने एक होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, और
डेढ़ दो साल पढ़ाने के बाद मैं 2011 में अपनी कोचिंग शुरुआत कर लिया। मैं 2009 में 9 से 10 11 के बीच में मैं करीब 7-8 होम ट्यूशन करता था, लेकिन उसी बीच मेरे दोस्त के माध्यम से मुझे एक कोचिंग में पढ़ाने का मौका मिला और मुझे लगा कि घूम घूम के पढ़ाने से अच्छा है कि एक अपनी कोचिंग की एस्टेब्लिश करो और जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आकर के मुझसे पढ़ सकते हैं। तो मैंने 2011 में अपने दोस्त की भी कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया और अपने कोचिंग एस्टेब्लिश की करियर गुरु के नाम से, और लगातार जिंदगी किसी तरह चल रही थी। कुछ बड़े सपने पूरे नहीं हो सकते थे, लेकिन जिंदगी को काटने लायक यानी किसी भी फॉर्म को भरने के लिए और किसी भी एग्जामिनेशन को देने जाने के लिए मुझे घर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं लगातार अपने कोचिंग और होम ट्यूशन से लगातार इतना कमा लेता था जहां पे हम अपने एग्जामिनेशन को देने के लिए किसी भी फॉर्म को भरने के लिए घर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। साथियों, मेरी ज्वाइनिंग सेप्सॉक में अगस्त 2014 को हुई। शुरुआत में जब ये बिजनेस किसी को भी मिलता है तो शुरुआत में भरोसा नहीं होता है, लेकिन ये बिजनेस हमारे मामा जी के माध्यम से यह बिजनेस मुझे देखने का मौका मिला। मैं अपने मामा जी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर काश वो मुझे अगस्त 2014 में मुझे ये बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं देते तो शायद मैं आज यहाँ तक इस लाइक नहीं बन पाता। मैं अपने मामा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि वजह से मुझे आज यहाँ पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में आने का मौका मिला और अपनी जिंदगी को बदलने का मौका मिला। साथियों, शुरुआत में ऐसे बिजनेसों पे लोगों को भरोसा नहीं होता है, मेरी भी शुरुआत ऐसे ही हुई, लेकिन दो तीन महीना इस बिजनेस से दूर रहा, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट फ्राइडे की ट्रेनिंग बाय अविनाश सर की फ्राइडे की ट्रेनिंग में मुझे जाने का मौका मिला। मुझे जाने के बाद वहां सर के बारे में जानने का मौका मिला। मुझे लगा कि एक स्टेशन मास्टर अपनी नौकरी को करने के बाद इस बिजनेस को पार्ट टाइम के रूप में करते हुए आज प्रेजेंट टाइम में लाखों रुपए मैंने कमा रहे थे उस वक्त। मुझे लगा कि अगर एक अच्छे रैंक के अधिकारी, स्टेशन मास्टर कोई छोटी मोटी रैंक नहीं होती है, अच्छे रैंक के पोस्ट वाले लोग अगर इस बिजनेस को कर सकते हैं तो अनंतपुर तो होम ट्यूशन पढ़ा रहा है। अगर पार्ट टाइम ग्रुप इस बिजनेस की भी शुरुआत करता है तो जाने का कुछ नहीं है। अगर 100 में 99% काम नहीं हुआ तो जा क्या रहा है, पैसा दिए प्रोडक्ट मिल चुका है। अगर जिंदगी में ऊपर वाले के माध्यम से अगर कुछ अच्छा लिखा हो तो यहाँ से भी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और उसी बीच सर की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद वहां पे एक सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार का अनाउंसमेंट होता है और मैं 16 नवंबर 2014 को मुझे सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार का हिस्सा बनने का मौका मिला और UN पैलेस में समस्तीपुर के भीतर। साथियों, मैंने वहां मुझे सत्येंद्र प्रसाद सर के स्पीच को सुनने का मौका मिला, अजय पंडित सर से मुलाकात करने का मौका मिला, तो विजयपाल सर से मुलाकात करने का मौका मिला, उनको देखने का मौका मिला। और साथियों, वो दिन मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट दिन बन गया। लोग कहते हैं कि फ्राइडे की ट्रेनिंग में आने की क्यों जरूरत है, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में अटेंड करने की क्यों जरूरत है, किसी भी एक्टिविटी में आने की क्या जरूरत है, सिर्फ सेल से पैसा मिलता है। लेकिन दोस्त, जिंदगी में विजन मिलना एक छोटे से एक्टिविटी से भी लोगों की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आ सकता है, ये जीता जागता प्रमाण मैं हूं। अगर शायद मैं उस फ्राइडे के ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बना होता तो शायद, या सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार का हिस्सा नहीं बना होता तो आज आनंद कुमार आपके बीच डायमंड बन करके इस पैनल पे नहीं बैठा होता। साथियों, मुझे उसी बीच डायमंड शिप मुझे माननीय श्री अजय पंडित सर का देखने का मौका मिला सुरसदन आगरा के भीतर 8 फरवरी 2015 को। साथियों, वो दिन मेरी जिंदगी का ऐतिहासिक दिन बन गया, क्योंकि साथियों, मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। मेरे परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस वक्त डायमंड शिप के भीतर सर को अपने फैमिली के साथ जो सम्मान लेते हुए देखा सर, उस वक्त मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे लगा कि यही एक ऐसा बिजनेस है जहां से अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता हूं, उन लोगों के लिए प्राउड बन सकता हूं। और मैंने उसी वक्त डिसाइड किया, मैंने कसम खा ली थी कि आने वाले कल में मैं इस बिजनेस में डायमंड बन के जरूर दिखाऊंगा। और वहां से आने के बाद मैंने डिसाइड किया अपने कोचिंग और होम ट्यूशन को क्विट करने का। मैं वहां से आने के बाद मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि भाई हम बिहारी हैं, हम डू एंड डाई की क्या सिचुएशन जानते, करो या मरो। मैं उस सारे कामों को छोड़ करके मैं फुल टाइम सेप्सॉक करने की शुरुआत कर दी। ये हमारा जिस वक्त मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया था उसमें जिस वक्त मैं होम ट्यूशन पढ़ाया करता था
कोचिंग चलाया करता था उस वक्त मेरी फोटो है, और ये पहली डायमंडशिप की पिक्चर है जहां पे मेरे साथ 6 लोग गए थे, मुझे मिला के 6 लोग गए थे। और मैं बताना चाहूंगा ये 6 लोगों में से 5 लोग आज एक अच्छे लेवल पे आज अच्छे लेवल पे ये पहुंच चुके हैं। कुछ लोग रेड कलर है, कुछ लोग टॉपाज है, आज इस बिजनेस में पहुंच चुके हैं। दोस्त जैसे ही जिंदगी की शुरुआत होती है, कुछ बड़ा डिसीजन सफलता के लिए जब लेना पड़ता है तो तुरंत सारा कुछ नहीं होने मिलने लगता है। जिंदगी में कुछ स्ट्रगल भी आए, मेरी जिंदगी में सबसे पहला स्ट्रगल फाइनेंशियली चैलेंज का आया हो। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो उस वक्त मेरे अकाउंट में कुछ पैसे हुआ करते थे, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की और फुल टाइम सेल्स ऑफ करने की शुरुआत किया तो उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज फाइनेंशियल चैलेंज का, क्योंकि किसी भी एक्टिविटी को अटेंड करने के लिए मुझे कभी बाहर जाना पड़ता था, कभी समस्तीपुर जाकर के मुझे किसी भी खगड़िया से मुझे समस्तीपुर जाना पड़ता था किसी भी मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो मेरे पास कुछ समय तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे मेरे पास जो भी सेविंग मनी था मेरे पास खत्म हो चुका था, लेकिन मैं लगातार हर एक एक्टिविटी का हिस्सा बनता चला गया। मुझे एक वाक्य याद आता है कि मुझे एक दिशा वर्कशॉप ट्रेनिंग में मुझे नैनीताल जाने का मौका मिला था, और मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मैंने एक समय अपने दोस्तों से उधार लेकर के, कर्ज लेकर करके मैंने उस दिशा वर्कशॉप ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए गया। साथियों मैं बताना चाहूंगा कि जिस वक्त मैं वो दिशा वर्कशॉप ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए गया तो अपने दोस्त ने जो पैसा लिया था मैं कहा कि 1 महीने में दे दूंगा, लेकिन वहां से आने के बाद जब 1-1.5-2 महीने बाद मेरे दोस्त का फोन आता है कि उसे पैसे की जरूरत है, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं उसे रिटर्न कर पाऊं। मैं 2 साल तक उसके फोन को नहीं उठाया, और 2017 में जाकर के मैं उस कर्ज को तोड़ पाया। उसके बाद फैमिली रिजेक्शन, जब शुरुआत किया था तो शुरुआत में इस बिजनेस में उतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती है, इनकम छोटा छोटा आता है, जो भी इनकम आता है वो नेटवर्क को बनाने में धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगता है। और लगातार जहां से मैं पहले अपने होम ट्यूशन अपने कोचिंग को चला के 12 से 15 हजार रुपया कमा पाता था, अपने मम्मी पापा से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन वहां पे मुझे अपने मम्मी पापा से हाथ फैलाना भी पड़ रहा था। पहले से घर की स्थिति खराब थी तो फैमिली से रिजेक्शन भी मिलता था कि फालतू के काम धंधों में पड़ गए हो, लेकिन मेरे सपने बड़े थे, मैंने उनकी भी बातों को मैंने नहीं सुना। बस मेरा काम था कि जो चीज मैं देख के आया हूँ मेरे फैमिली वाले नहीं देखे हैं, मुझे इस बिजनेस को सफलता लेना है आने वाले 3-4 सालों में, और अपने फैमिली का अपने समाज का एक प्राउड बनना है। लेकिन जैसे ही बिजनेस की शुरुआत किया तो उसमें व्हीकल्स प्रॉब्लम आया, मैं साइकिल से होम ट्यूशन या किसी कोचिंग में पढ़ाने जाता था, तो लेकिन जब मुझे दूर दूर का सफर करना पड़ा तो व्हीकल्स प्रॉब्लम भी आया, यानी मेरे पास बाइक नहीं हुआ करता था। लेकिन कुछ समय काम करने के बाद, अपने भाई के साथ काम करने के बाद, भाई के कुछ कमाए गए पैसे से और कुछ फैमिली से लेकर के मैंने एक बाइक परचेज किया। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज साथियों शुरुआती दिनों में एज का चैलेंज आया। जिस वक्त मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था मेरी उम्र 23 साल थी, और मेरे साथ काम करने वाले लोग जितने भी थे उनकी भी उम्र किसी की 20 साल, किसी का 19 साल, किसी का 17 साल था। 17 साल जो अपने मम्मी के आईडी पे लगा करके इस बिजनेस की शुरुआत किए थे। उस वक्त जिस वक्त हम लोगों को बिजनेस प्लान के बारे में जानकारी देने के लिए जाते थे साथियों, उस वक्त लोग प्लान तो देख लेते थे, लेकिन प्लान दिखा के जब मैं निकलता था तो उसी बीच कोई व्यक्ति जाकर के सेप्सोप के बारे में जानकारी देता था, और लोग कहते थे कि इस बच्चे के साथ क्यों ज्वाइन हो रहे हो, ये बच्चा आज कर रहा है कल छोड़ देगा, आप मेरे साथ ज्वाइन करें। यानी जहां से हमारा सेल क्लोज हो सकता था आने वाले कल में वहां पे जो वो सेल कोई और जाके चुरा के ले जाया करता था, तो लोग बच्चे का टीम कहने की शुरुआत कर दिए। और धीरे धीरे जब मेरा स्ट्रगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली, धीरे धीरे जब मैंने 2015-2016 में एक ऐसे दौर को भी देखा जहां पे फैमिली की लेबिलिटी और ज्यादा बढ़ने की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटा, क्योंकि मुझे पता था इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव योर ऑन लाइफ। अपने जीवन के सिरकार किस आकार में डालना चाहते हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की है, मैं किस आकार में अपने जीवन को डालना चाहता हूँ। और मुझे एक बात पता था
कि परिस्थिति कैसी भी हो डटकर खड़े रहने चाहिए। वक्त आने पर खट्टी गहरी भी बदलकर मीठा आम बन जाती है। आज सिचुएशन कैसा भी था मेरे साथ, किसी को 23 साल की उम्र में सिचुएशन खराब हो सकता है, कोई नौकरी करते हुए भी उसके साथ संघर्ष हो सकता है, क्योंकि सफलता इंसान को वैसे ही नहीं मिलती है, बिना संघर्ष की सफलता मिल ही नहीं सकता है। तो मेरा सिर्फ एक मकसद था कि इस बिजनेस में सिर्फ टिके रहना, और टिके रहेंगे तो आने वाले कल में काम होगा ही, क्योंकि वक्त आने पे तो खट्टी कैरी भी मीठा आम बन जाती है। मैंने कभी किसी समस्या को नहीं देखा। मैंने एक लाइन पढ़ा था, सर से समस्या वो उसी सर से समाधान भी होता है। मैंने समस्या को नहीं देखा, मैंने हमेशा सर से समाधान के बारे में सोचा कि आखिर इससे बेहतर क्या किया जा सकता है अपने नेटवर्क के लिए, अपने टीम के लिए। मेरे एक मीटिंग में बताया गया कि अगर आपके साथ काम नहीं हो पा रहा है तो आप जोड़ी बना के काम करें। और मेरे जिंदगी में मैंने जोड़ी बनाने की शुरुआत की। मैंने एक सेशन अटेंड किया था, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां बताया गया किसी एक का बन जाओ और किसी दो को अपना बना लो। तो साथियों, मुझे जोड़ी बनाने का मौका मिला, और मुझे जोड़ी बनाने का मौका मिला जहां पे मैंने जोड़ी बनाया अपने ग्रेट अप्लाई अपने कैप्टन के तौर पे मिस्टर सुमित कुमार मिस्टर सर से, और लगातार इस बिजनेस को सीखने का प्रयास किया, लगातार करने का प्रयास किया। साथियों, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था, लेकिन लगातार टैलेंट बढ़ने का काम हमारे कैप्टन के तौर पे सुमित कुमार मिश्रा सर ने किया, और मैंने अपने टीम से जोड़ी बनाया। ये हमारी टीम है, एक ही गांव से निकल करके ये 7 लोग आज अच्छे लेवल पे हैं। इसमें से 4 लोग रेड क्लब एंड अबव है, और 1-2 लोग रेड क्लब में शामिल होने वाले हैं। साथियों, ये 7 लोग एक गांव से निकल करके जिनकी उम्र कम थी, मैंने उनसे जोड़ी बनाया, और ये ताकत है, एक ताकत मिला, और जोड़ी बना के काम करने का प्रूफ है कि आने वाले आज और आने वाले कल में ये सारे लोग अपने सपनों को लगातार पूरा करते जा रहे हैं। अपलाइन के बारे में एक लाइन लिखा हुआ है, एक अपलाइन वह होता है जो अपने अंदर के आशा को देखने की अनुमति देता है। अपलाइन आपके अंदर जो भी क्षमता है वो आपको देखने की काबिलियत डालता है। इंसान के अंदर सारी पोटेंशियल होती है, मेरे अंदर भी बहुत सारी पोटेंशियल थी, लेकिन शायद मैं देख नहीं पाता था, अपने जीवन को किसी तरह काट रहा था, लेकिन अपलाइन ने मुझे एक अपने अंदर की आशा को, मेरे अपने अंदर की जो इच्छा शक्ति थी उसको देखने का काम किया। मैं पिछले 5-6 सालों से मैं अपने गुरु मिस्टर सुमित कुमार मिश्रा सर से जोड़ी बनाया, और अपने सारे टाइगर के साथ जोड़ी बनाकर मैंने काम करने की शुरुआत की। ये मेरा लगातार रिकॉग्निशन है। मैं सिल्वर 9 अप्रैल 2015 को बना, सिल्वर स्टार मैं 14 फरवरी 2016 को बना, गोल्ड मैंने 31 मार्च 2016 को बना, पर्ल 17 अक्टूबर 2016 को, टॉपाज 26 फरवरी 2018 को, इमरल 25 सितंबर 2018 को, रूबी 8 अगस्त 2019 को बना। और मैंने इस बिजनेस का जो ड्रीम लेवल होता है डायमंड बनना, वो मैं 20 अगस्त 2020 को मैं कंप्लीट कर लिया। साथियों, ये डायमंड से मेरे अभी रिकॉग्निशन मेरी पेंडिंग में है, क्योंकि कोरोना की वजह से और मेरी कुछ तबीयत खराब होने की वजह से यह डायमंडशिप मेरा अभी तक नहीं हो पाया है, वो आने वाले कुछ समय बाद यह डायमंडशिप भी रिकॉग्निशन मुझे मिल जाएगा। ये मेरे पहले जब मैं सिल्वर बना था तो वहां पे खगड़िया के भीतर अविनाश सर, अजय पंडित सर और अंजनी सर का आशीर्वाद मुझे मिला था अपने पहले रिकॉग्निशन में, और ये मैं डायमंडशिप कंप्लीट किया था उसका ये फोटो। ये मेरे कुछ अचीवमेंट है जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। तो सबसे पहले मैंने कुछ समय काम करने के बाद मोबाइल परचेज किया, ये सैमसंग का गैलेक्सी है, ये MI मैक्स 2 है। उसके बाद मेरे पास अभी प्रेजेंट टाइम में 2 बाइक है, एक होंडा कंपनी की ट्रिगर, 2 एक यामा का FZS। मैंने लैपटॉप यहाँ से अचीव किया, और सबसे बड़ा दिन मेरे लिए 9 मार्च 2019 था, जिस वक्त मैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए, खुद के लिए इस बिजनेस के माध्यम से हुंडई कंपनी के टॉप मॉडल क्रेटा कार परचेज किया, जिसकी कीमत 16.5 लाख रुपये। एक साइकिल से सफर करते करते कब कार तक पहुंच गया मुझे खुद नहीं पता चला। और इस बिजनेस के द्वारा जो भी टारगेट मिलता है, मैंने बहुत सारे टारगेट को भी अचीव किया। मैंने इस बिजनेस के द्वारा जो लैपटॉप का टारगेट आता है, मैंने लैपटॉप के टारगेट को अचीव किया। थाईलैंड का 2 बार टारगेट अचीव किया, यूरोप का टारगेट 2 बार अचीव किया, इटली और एम्स्टर्डम का टारगेट अचीव किया, और लंदन का टारगेट अचीव किया।
साथियों मुझे इस बिजनेस के माध्यम से मुझे एक बार थाईलैंड जाने का मौका मिला, एक बार मुझे यूरोप टूर में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में पूरे 7 दिन रहने का मौका मिला। साथियों जिस खानदान में आज तक कोई पासपोर्ट नहीं बनाया हो, उस खानदान से निकल करके कोई लड़का इतने सारों मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग थाईलैंड जैसे शहरों को घूमने का मौका मिला, ये मेरे लिए प्राउड की बात थी। शायद ट्यूशन या कोई नौकरी करके भी शायद मैं विदेश का सपना पूरा नहीं कर सकता था, लेकिन आज सेपसॉप ने इतनी बड़ी ताकत दी जिनकी वजह से आज मैं इन सारे शहरों को घूम पाया। और बहुत सारे कोरोना की वजह से बहुत सारी ट्रिप मेरी पेंडिंग में है, जहाँ पे एक यूरोप टूर इटली एंड एम्स्टर्डम का टारगेट मैंने जो किया ये भी अभी पेंडिंग में, और लंदन का टारगेट आने वाले कल में जब सारा सिचुएशन ठीक होगा तो मैं इन सारे शहरों इस सारे सिटी का भी मैं विजिट करने के लिए जाऊंगा। ये थाईलैंड का कुछ पिक है, मैं अपने टीम के साथ बीच पे भी गया था, एयरपोर्ट की कुछ पिक्चर है, ये अपने गुरुदेव के साथ मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग में मुझे पिक्चर क्लिक करवाने का मौका मिला, और सबसे बड़ी बात मुझे बुलेट ट्रेन पे बैठने का भी मौका मिला जिसकी स्पीड करीब 350-400 से भी ऊपर की स्पीड थी। साथियों ये सब कुछ हो पाया है तो शुरुआती दिनों से मैंने सिर्फ बुक के माध्यम से पढ़ा था प्रगति सूत्र, जो सर के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है, थ्री पावर के बारे में, थ्री पावर में बताया जाता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड के बारे में। मैंने शुरुआत से जब मैंने इस बिजनेस में था तो कहा जाता है इंसान जैसा बोलता है वैसा बनना शुरू हो जाता है। मैंने कभी भी निगेटिव बात अपलाइन या ग्रोलाइन या इस बिजनेस के प्रति मैंने नहीं कहा, मैंने हमेशा अच्छा बोला, अच्छा हुआ मेरे साथ। मैं जिस भी लेवल पर था, अगर मैं सिल्वर था तो मैंने हमेशा ऊपर वाले से डिमांड आगे का किया, मैंने हमेशा सुबह उठ करके अपने अपलाइन अपने ऊपर वाले को जरूर बोलता था थैंक्स गॉड आपने मुझे प्लेटिनम बनाया। जब मैं प्लेटिनम लेवल पे पहुंचा तो उसी समय से मैं बोलना शुरू किया थैंक्स गॉड आपने मुझे गोल्ड बनाया। मैं जब गोल्ड बना तो ऊपर वाले को मैंने फिर से धन्यवाद दिया थैंक्स गॉड आपने मुझे पढ़ रहा, यानी जो मैं बना नहीं हूं उससे पहले मैं उन चीजों का डिमांड में ऊपर वाले से करता रहा। ये सारा कुछ मुझे दिशा और दिशा ऐसे सेशन में मुझे सीखने का मौका मिला। और मुझे जो भी व्यक्ति अगर इस पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का इस्तेमाल करेगा निश्चित है कि आने वाले कल में उनके साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा। पावर ऑफ सबमिशन, इसके बारे में मुझे बताया गया, पावर ऑफ सबमिशन यानी समर्पण की शक्ति। मुझे मैंने देखा कि जहां भी लोग जिस चीजों में समर्पित हो जाता है वहां पे उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाती है। जहां पे मैंने देखा कि एक बीमार आदमी एक डॉक्टर को अपने आप को समर्पित कर देता है, एक शिष्य अपने गुरु के पास जाके अपने आप को समर्पित कर देता है, उसकी जिंदगी में बदलाव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं समर्पण में बहुत बड़ी ताकत होती है। मैंने शुरुआती पिछले 6 सालों से अपने आप को अपने अपलाइन के पास समर्पित कर दिया। मुझे दो लोगों को इस दुनिया में दो लोगों को भगवान के साथ रहने का मौका मिला, एक श्री कृष्ण को अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान के साथ रहने का मौका मिला, हनुमान को श्री राम भगवान के साथ रहने का मौका मिला। लेकिन समर्पण की इतनी बड़ी ताकत है, एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा। अर्जुन जब युद्ध में थे तो जब उनको कोई भी काम करना पड़ता था तो श्री कृष्ण भगवान कुछ भी बताते थे तो वो लेकिन किंतु परंतु के साथ ही अपने किसी भी वाण को छोड़ते थे। लेकिन जिस वक्त श्री राम भगवान हनुमान जी को कुछ भी बोलते थे तो वो सिर्फ जय श्री राम बोल करके उस काम को पूरा कर देते थे। मैं पिछले 6 सालों से अपने अपलाइन के प्रति समर्पित हूँ। मेरे अपलाइन जो कुछ भी बोले, जिस भी लेवल पे जो चीज की जिम्मेदारी दी, मैंने हर जिम्मेदारी को समर्पित भाव से अपनाया, जिसकी वजह से आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। समर्पण में साथियों बहुत बड़ी ताकत है, और पावर ऑफ यूनिटी, एकता की ताकत, एक चींटी से भी सीखा जा सकता है एकता की ताकत। और एकता में इतनी बड़ी ताकत है कि आज एक शहर से एक गांव से निकला हुआ 7 लोग आज एक यूनिटी की वजह से आज यहां तक पहुंच पाया हूं। मेरे साथ हालात खराब भी थे, लेकिन ये हमारे जितने भी टाइगर हैं मेरे साथ बुरे हालात में भी मेरे साथ खड़े थे। मेरा जिस वक्त बिजनेस नहीं चल रहा था उस वक्त ये 6 लोग हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे थे। स्थिति मेरी ही खराब नहीं थी, इन लोगों की भी थी, लेकिन कभी भी ये पीछे नहीं हटे मेरे साथ।
आज यही एकता की ताकत है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। यूनिटी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जिस वक्त एक अंगूर का गुच्छा है, जब वो अंगूर का गुच्छे से अंगूर अलग हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसकी कीमत कम जाती है, लेकिन अंगूर के गुच्छे की कीमत वही रहती है। तो मैंने शुरुआती स्थिर पावर से मैंने सीखा कि अंगूर के गुच्छे की तरह बनो, एक यूनिटी में रह के काम करो, जिसकी वजह से परिस्थिति कैसा भी हो आने वाले कल में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरे पास जो यूनिटी से मैंने शुरुआती दौर से मैंने काम करने की शुरुआत किया, अमोल जी के साथ काम करने की शुरुआत की, अभिषेक जी के साथ काम करने की शुरुआत किया, मृणाल जी के साथ काम करने की शुरुआत किया, मेगा भारती जी के साथ काम करने की शुरुआत किया, सन्नी जी के साथ और शुभम जी के साथ। शुरुआती दिनों से ही डे फर्स्ट डे से मुझे इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जब मैं इस बिजनेस को लगातार करने की शुरुआत किया। और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें से 4 लोग रेड क्लब एंड अबव है और 2 लोग प्रपाज एंड अबव है, 2 लोग प्रपाज के करीब पहुंचने वाले हैं, रेड क्लब में शामिल होने वाले हैं। ये हमारी ताकत है। अमोल कुमार जी, अभिषेक जी, मृणाल जी, मेघा जी, सन्नी जी, शुभम जी, सद्दाम जी, शिवम जी, ललन कुमार पटेल जी, प्रमोद जी, राजेंद्र जी, श्रीकांत जी और मृत्युंजय जी, ये हमारे पिलर हैं जो आने वाले कल के, आने वाले 2022-2023 के ये सारे डायमंड्स हैं आने वाले कल के। और इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। साथियों, मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं, सफलता के लिए कुछ पॉइंट ही जरूरी है। अगर लोग इन सारे पॉइंटों को अगर सिर्फ अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें तो उनके जिंदगी में जो सफलता आज मुझे मिल रही है, मेरे अपलाइन को मिल रही है, आने वाले कल में आप सारे लोगों को भी मिल सकती है। पहला चीज मैंने किया, हार्डवर्क। लोग कुछ दिन तक हार्डवर्क करने के बाद सोचते हैं कि ये मेरा बिजनेस स्मार्ट वर्क में तब्दील हो जाए, मैं काम नहीं भी करूं तो भी काम हो। साथियों, दुनिया में लोग नौकरी करते, बिजनेस करते, पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर कोई इंसान यहाँ 4-5 साल अगर हार्डवर्क कर ले तो इस बिजनेस में सफलता पाना आसान हो जाएगा। कब यह हार्डवर्क आपके करते करते कब यह बिजनेस स्मार्ट वर्क में तब्दील हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। दोस्त, दूसरी चीज मैंने किया, इस बिजनेस में सेक्रीफाइस किया, छोटी छोटी चीजों का सेक्रीफाइस किया। लोग अक्सर इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद किसी न किसी पार्टी, फंक्शन, बर्थडे, एनिवर्सरी, इस सारी चीजों में घुस जाते हैं, लेकिन जब से मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया, मेरे घर से भी लगातार फोन आते थे, लेकिन मैं घर जाता नहीं था। मैंने ये सोचा कि जब तक मुझे कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं मिल जाता है तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। और मैं बताना चाहूंगा कि मैं पिछले जब तक मैंने कार अचीव नहीं किया था तब तक मैं पूरे साल में सिर्फ एक बार घर जाता था, वो भी छठ में अपने अपलायंस से पूछ करके। उसके बाद मैं लगातार, मेरी कर्मभूमि भागलपुर है बिहार में, वहां पे रह करके लगातार काम किया, या मेरी टीम भी लगातार छोटी छोटी चीजों का सेक्रीफाइस किया, जिसकी वजह से लेवल लगातार हासिल करते चले जा रहे हैं। लेकिन लोग सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते। मैं कहूंगा अगर लोग सेक्रीफाइस करने को त्याग है, क्योंकि बिना त्याग के कोई भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती है, छोटी मोटी सेक्रीफाइस करना जरूरी है। अगर हम छोटी मोटी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो सफलता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने इन सारी चीजों को किया है, स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ेगा। सफलता किसी को इसी तरह नहीं मिल जाता है। हर एक सफलता, जितने भी लोग सफलता पाए हैं, सक्सेस हुए हैं, उन सारे लोगों ने भी स्ट्रगल किया है। और इस बिजनेस में तो हम अकेले स्ट्रगल नहीं करते हैं, हमारे साथ हमारी टीम होती है जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के काम करती है। तो स्ट्रगल का जो पैमाना होता है, अकेले अगर 100 किलो का वजन लेकर चलते हैं तो 100 किलो का वजन उठा पाना किसी एक व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है, लेकिन टीम के साथ संघर्ष करना बहुत आसान हो जाता है। मैंने फेथ किया, मैंने आस्था बनाए रखा अपने अपलायंस से, अपने कंपनी पे, अपने जितने भी लीजेंडरी है सारे लोगों पे मैंने आस्था बनाए रखा, उनके हर एक ट्रेनिंग, हर एक प्रोग्राम को अटेंड किया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया। स्थिति खराब थी लेकिन मैंने हमेशा पेशेंस रखा। शुरुआती दिनों में स्थिति हमेशा अच्छा नहीं था, कभी काम दिखता था, कभी नहीं दिखता था, कुछ टीम बनती थी, कुछ टीम बिखर जाती थी, लेकिन मैंने धीरज कभी नहीं खोया। मैं लगातार मेहनत करता चला गया, धैर्य बनाए रखा। मुझे सिर्फ एक बात पता था कि इस बिजनेस में डटने से काम होता है। अगर हम डट के काम करें, मेहनत करते रहे, अपना 100% देते रहे, तो निश्चित है कि आने वाले कल में हमारे साथ अच्छा ही होगा। और मैंने पैशन के साथ काम किया। जितने भी लोग आप देखते होंगे कि अगर क्रिकेट का भगवान अगर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है
तो वो कभी टाइम देख करके ग्राउंड पे नहीं गए, उनको जब भी मन किया तब वो गए। सुबह अगर वो प्रैक्टिस करने के लिए गए मैदान पे, तो कब सुबह से दोपहर होता, कब शाम हो जाता था, कभी रात हो जाता था, उनको खुद नहीं पता होता था। मैंने इस बिजनेस में आने के बाद घड़ी देख के काम नहीं किया। मुझे जब भी सुबह में अगर 5:30-6 बजे भी अगर मौका मिलता था फील्ड में जाने का, तो मैं जाता था। रात के 11-12-1 बजे तक भी मैं भी काम किया और मेरी टीम भी लगातार काम की 1 बजे तक। और दूसरी बात कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। मैंने शुरुआती समय में ही देख लिया था कि जब तक कोई भी इंसान अगर जिम्मेदारी नहीं लेता है तो उनके साथ कुछ बड़ा नहीं हो सकता है। और जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है। जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेकर के अपने टीम के साथ समर्पण भाव से अगर काम करता है तो उनके साथ आज हो सकता है कि उनके साथ काम नहीं हो रहा हो, लेकिन आने वाले कल में उनके साथ काम बहुत बेहतर हो सकता है। इन सारे चीजों को मैंने किया, मैंने सफलता में इन सारे चीजों का योगदान रहा। हार्डवर्क का, सेक्रीफाइस का, स्ट्रगल का, फेथ का, पैशन का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया। कुछ चीजें और हैं जिनको भी लगातार करने की जरूरत है, जो मैंने भी किया। फोकस ऑन रेगुलर प्लान, मैंने रेगुलर प्लान पे फोकस किया शुरुआती दिनों से ही। प्लान मिलता नहीं था, लेकिन प्लान जाकर के किसी तरह रिलेशन बॉन्डिंग बना करके मैं लगातार प्लान के ऊपर फोकस करता रहा। मुझे पता था कि सिर्फ प्लान से ही रिजल्ट आ सकता है, प्लान से ही नेटवर्क आगे बढ़ सकता है। मैं लगातार फोकस किया प्लान पे, फोकस किया एफआईएम पे। 24-48 घंटे के अंदर एफआईएम किया। स्टे विद सिस्टम, मैंने हमेशा सिस्टम के साथ खड़ा रहा। फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, को ट्रेनिंग। बहुत सारे लोग फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है, लेकिन 6 बजे अगर फ्राइडे के ट्रेनिंग का टाइम होता है तो वो लोग 6 बजे के बाद जाते हैं, 6:05 पे, 15 मिनट पे, 6:30 बजे तक। मैंने शुरुआती दिनों से 5:30 बजे चाहे वो प्रोजेक्टर, लैपटॉप, कुछ भी लगाना हो, मैं और मेरी टीम की फ्राइडे की ट्रेनिंग में भी लगातार समय से पहले पहुंचा। संडे के सेमिनार भी समय से पहुंचा। को ट्रेनिंग जैसे सेशन को भी मुझे लेने का मौका मिला। मेरा प्लान के द्वारा जो भी अरेंज करने का मौका मिला, मैंने हर चीज किया। मैंने हमेशा सिस्टम के साथ खड़ा रहा। अटेंड ऑल फंक्शन, मैंने हर एक फंक्शन को अटेंड किया। किसी में एक्सक्यूज नहीं डाला कि मैं सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार को क्यों अटेंड करूं, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार को क्यों अटेंड करूं। मैंने कोई एक्सक्यूज नहीं डाला। मैंने शुरुआती दिनों से, चाहे सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार खगड़िया से समस्तीपुर करीब 130 किलोमीटर, मैं 130 किलोमीटर का भी सफर करके सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार को अटेंड करने के लिए समस्तीपुर भी गया। बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार को अटेंड करने के समस्तीपुर भी गया। डायमंडशिप का हिस्सा बना, दिशा बुक्स ऑफ ट्रेनिंग का हिस्सा बना। मैंने हर एक एक्टिविटी का, मैंने शुरुआती दिनों से सिस्टम के साथ खड़ा रहा, हर एक एक्टिविटी का मैंने हिस्सा बना, जिसकी वजह से आज मैं यहां तक पहुंच पाया। ये कुछ पॉइंट थे जिससे लोगों की जिंदगी में बदलाव आ सकते हैं, मेरी जिंदगी में आया है। तो विश्वास माने, अगर इन सारी चीजों को अगर आप करते हैं, रेगुलर करते हैं और निष्ठापूर्वक करते हैं, अच्छी नियति के साथ करते हैं, तो निश्चित है आपकी जिंदगी में बहुत बहुत बड़ा काम हो सकता है। और ये मेरा अपकमिंग ड्रीम है 2022-2023 का। 2022 और 2023 के बीच में मैं मेरी टीम से 11 डायमंड्स कंप्लीट होने वाले होंगे। ये मेरा सपना है 11 डायमंड्स कंप्लीट होने का, जो निश्चित होंगे। और 2022-23 के बीच में 1 करोड़ का अपना ड्रीम हाउस होगा, जैसे ड्रीम कार रेंज रोवर मैं अचीव करूंगा इस बिजनेस के माध्यम से। और फिक्स मिनिमम 30 लाख अप्रोक्स मैं अपने अकाउंट पे मेरे नाम पे 2022-23 के बीच में मिनिमम जो होगा वो 30 लाख रुपया कम से कम मेरे अकाउंट पे सेव रहेगा। क्योंकि कोरोना ऐसी स्थिति में पता चल गया कि सेविंग ना करने का नतीजा क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे माहौल को भी देखे हैं जहां पे जिनके पास पैसा था वो किसी तरह अपनी जिंदगी को ठीक ढंग से सर्वाइव कर लेते, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो वो अपनी जिंदगी को चला पाना ही बहुत मुश्किल था। तो मैं ये अपकमिंग ड्रीम, यानी मेरा 2022 और 2023 का जो लक्ष्य है ये है, जो मैं 110% इसको कंप्लीट करूंगा। और दिल से धन्यवाद आप सारे लोगों का जो इतना आप लोगों ने वक्त निकाल के आज इस सेशन को लिया। और इन सारे सेशन के बीच में जो भी बात मेरे द्वारा बोला गया हो, कोई भी अगर बुरा लगा हो, तो एक छोटा भाई समझकर
मुझे माफ कर देंगे, जैसे उम्र बड़े होंगे तो बड़ा भाई समझ के माफ कर देंगे, लेकिन कोई भी बात अगर अच्छी लगी हो तो वो हमारे हमारी नहीं थी, वो हमारे सिस्टम के द्वारा, हमारे प्लान द्वारा सिखाई गई बात थी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। मैं दिल से अग्रवाल सर का, महागुरु जी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज मुझे इतने बड़े पैनल पर मुझे बोलने का मौका मिला। मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं सेप्सो का एक छोटा सा सिपाही हूँ, लेकिन सर ने, सर के आशीर्वाद की बदौलत आज मुझे इतने बड़े पैनल पर मुझे आकर के अपने बारे में, अपने सक्सेस जर्नी के बारे में बोलने का मौका मिला। मैं दिल से ग्रीवाल सर, ग्रीवाल महागुरु जी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू मिस्टर आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। रियली में आपने बिल्कुल गागर में सागर भर दिया और आपने सक्सेस जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं चाहता हूँ टाइगर के लिए एक बहुत जोरदार तालियां दिल से। बहुत जोरदार तालियां। लड़ने का हम में दम न ठोक सका हमको कोई भी गम के साथ हम आते हैं।